12th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं एंड मीनिंग ऑफ यूटिलिटी क्या है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम वापस देख लेते हैं कि यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। किसी भी कमोडिटी की जो पावर होती है, जिसकी वजह से आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, भले ही वो वाटर है, फूड है या कुछ भी है, जिसको कंज्यूम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या आपकी वांट को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं उस कमोडिटी में वो यूटिलिटी प्रोवाइड करने की पावर है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। देर आर डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ अ यूटिलिटी। द फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी, सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी, थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी, फोर्थ इज नॉलेज यूटिलिटी, फिफ्थ इज पोजिशन यूटिलिटी एंड द लास्ट इज 6th इज टाइम यूटिलिटी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर्म यूटिलिटी से। फॉर्म यूटिलिटी, द यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द चेंज इन द शेप और अ स्ट्रक्चर ऑफ अ एग्जिस्टिंग मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वुड है या सब लकड़ा है, तो वो हमारे लिए बहुत कम यूटिलिटी रखता है, क्योंकि हम लकड़ी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उस लकड़ी का फॉर्म चेंज कर देते हैं, उससे हम लोग फर्नीचर क्रिएट कर देते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, तो वो सामान हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रखते हैं। तो अगर किसी चीज़ का फॉर्म चेंज करने की वजह से उसका जो यूटिलिटी का पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लेस यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। एक ही सामान है, लेकिन आपका एक प्लेस पे उसका कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर उसी सामान को सेकेंड प्लेस पे लेकर जाते हैं तो उसका यूज़ बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुलन क्लोथ्स है, अगर आप किसी कोल्ड जगह पर हो, जैसे कश्मीर है, ऊटी वगैरह है, तो अगर आप किसी कोल्ड प्लेस पर हो तो वहाँ पर आपके लिए वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज़्यादा होगी कम्पेयर टू वार्म प्लेस। तो जो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्रिएट करता है वो प्लेस यूटिलिटी। हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं उन सामान को, और उस जगह के चेंज होने की वजह से उस सामान की यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ जाती है। नाउ द थर्ड वन इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन अ पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द वेरियस प्रोफेशनल्स। जैसे टीचर्स है, लॉयर है, डॉक्टर है, वो जो भी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारी जो वांट सेटिस्फाई होती है, उसे बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। जैसे टीचर्स आपको पढ़ाती है, यहाँ पर कोई भी विजिबल थिंग्स आपके लिए एक्सचेंज नहीं होगी, यहाँ पर सर्विस इनविजिबल थिंग होती है, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। तो टीचर्स जो आपको पढ़ाती है या डॉक्टर जो आपको ठीक करने के लिए मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपकी वॉन्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्टर्स की मेडिसिंस लेकर या उसके चेकअप की वजह से ठीक हो जाते हो। नाउ द लास्ट वन इज नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन द कंज्यूमर एक्वायर्स अ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड द नॉलेज यूटिलिटी। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना शुरू होगा, जैसे बचपन में हमें फ़ोन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम फ़ोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस पता होने लगे, हमें जैसे जैसे नॉलेज गेन होने लगा, तब हमें पता चला कि फ़ोन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कंप्यूटर्स का या मोबाइल फ़ोन का। जैसे जैसे आपके फंक्शंस आपको नॉलेज होने लगता है उन फंक्शंस का, वैसे वैसे उस चीज़ की यूटिलिटी आपके लिए इंक्रीज़ होना शुरू होती है। द फिफ्थ वन इज़ पोजिशन यूटिलिटी। पोजिशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ अ गुड इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब हम कहीं से सामान परचेस करके लेकर आते हैं, जब हम किसी सेलर से वो सामान परचेस करते हैं, तब वो हमारी पोजिशन में आ जाता है, तब वो हमारे पास आ जाता है, और जब हम उसके ओनर बन जाते हैं तो हमारे लिए वो यूटिलिटी इंक्रीज़ करता है, हमारे लिए वो यूटिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जब तक वो सामान हमारे पास नहीं है या हमारी पोजीशन में नहीं है, हम सिर्फ उसकी डिमांड करते हैं, सॉरी, हम सिर्फ उसकी इच्छा करते हैं, बट वो हमने कंज्यूम नहीं किया है, तो हमें ये नहीं पता कि वो हमारी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम उसको परचेस करके अपने पास लेकर आते हैं, जब हम उसके ओनर बन जाते हैं, जब पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाती है, तब उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ टाइम यूटिलिटी। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called the time utility. यहाँ पर एक बहुत अच्छा example दिया हुआ है। जो टेक्स्ट बुक्स होती है वैकेशन में, हमारे लिए रेयरली कोई यूटिलिटी रखती है, हम वैकेशन में बुक्स को बंद करते हैं और कबर्ड में रख देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम सीजन चल रहा होता है या एग्ज़ाम्स का टाइम आता है, तब वो बुक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। सेम थिंग है बुक, लेकिन टाइम चेंज होने की वजह से वो हमारे लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है।
टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्केयर्सिटी. तो हम इन गुड्स को वेयर हाउस कर रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत हो, जब वो टाइम आए, तब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड बैंक. अब जैसा कि आपने देखा होगा कि टाइम यूटिलिटी में टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी, ये जो हमारा फीचर्स था रिलेटिव यूटिलिटी सेम सॉरी जो हमारा फीचर्स था यूटिलिटी इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. सेम वही है कि टाइम चेंज हो जाती है यूटिलिटी एंड प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है. तो अगर आप फीचर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो टाइप्स आपको बहुत ईजी पड़ेंगे. नाउ अभी हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में आपके पास दो चीज़ें हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जब भी आप किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की कुछ डिराइव करते हैं, कुछ पीसेस डिराइव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है तो फर्स्ट एप्पल जब आप कंज्यूम करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप तब भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं. लेकिन जब आप सेकेंड एप्पल कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, थर्ड एप्पल थोड़ा सा कम, एंड फोर्थ एप्पल तक तो आपको लगता है अभी कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए. तो टोटल यूटिलिटी होती है जो आपने फर्स्ट एप्पल से डिराइव किया, जो सेकंड से डिराइव किया, थर्ड से डिराइव किया एंड फोर्थ से डिराइव किया, उन तीन चारों की जो यूटिलिटी का टोटल होगा, मतलब आपको कितना 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 अच्छा लगा, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. द टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. तो आप जितने भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उन सब से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव होती है उसे बोलते हैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी, दैट इज़ टी यू. द नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर डिक्रीज हो जाती है. जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो आपको अच्छा लगता है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हो आपको थोड़ा अच्छा लगता है. तो जो भी एडिशनल जो यूटिलिटी आपको डिराइव हो रही है सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करने की वजह से उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूनिट ऑफ अ सॉरी एडिशनल यूटिलिटी derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is an addition made by the last unit of a commodity consumed. जब first apple आपने consume किया, for example आपको 10% अच्छा लगा, second unit के time पर आपको 8% अच्छा लगा, तो आपकी marginal utility जो हो रही है वो 10 से 8 हो गई है, और आपकी जो total utility है जो दो unit consume करने के बाद आपको मिली है वो है 10 + 8, that is 18. तो अब अगर हम लोग कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना पड़ेगा. तो हम अभी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. जो टोटल यूटिलिटी होता है वो होता है सम. जितनी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है उन सब का सम करोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाती है. और जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो अलग अलग होता है, हर एक यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट यूनिट से आपको हो सकता है 10 यूटिलिटी डिराइव हो रही हो, सेकेंड यूनिट से 8 एंड सो ऑन. तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग स्टेज पे होता है. अब हम लोग ने लास्ट फीचर्स में पढ़ा था कि हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है. हम लोग सिर्फ साइकोलॉजिकली माइंड में सोच सकते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है. बट क्योंकि हमको इस चैप्टर के बारे में डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है और उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए नंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका जो रिलेशन है बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर यूटिलिटी को नंबर्स में कंसिडर किया गया है. अब आप यहाँ पर जहाँ पर एक टेबल देखोगे जो यूनिट्स है ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, यहाँ पर हमने कॉमोडिटी अज्यूम किया है एक्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे तीन कॉलम बनाकर एक टेबल बनाया हुआ है. तो जब हम एक्स कॉमोडिटी का फर्स्ट यूनिट डिराइव करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दैट इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी इज 10. सेकेंड यूनिट पर थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होती है 8, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे आ जाते हैं तो 2 हो जाती है, और सिक्स्थ पे आपको कुछ भी यूटिलिटी डिराइव नहीं होती है, दैट इज 0. सेवन्थ यूनिट अगर आप कंज्यूम कर लेते हो तो यूटिलिटी की जगह पर आपकी डिस यूटिलिटी आ जाती है, दैट इज़ डिससेटिस्फैक्शन, -2. अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, उसको कैसे फाइंड करना है. एक बार आपने मार्जिनल यूटिलिटी को अज्यूम कर लिया तो टोटल यूटिलिटी फाइंड करना बहुत ईजी है. टोटल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की तो सेम ही रहने वाली है 10. सेकेंड यूनिट में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी दो यूनिट तक जो है, जैसे 10 एंड 8, उनका टोटल आ जाएगा 18. थर्ड यूनिट में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है 10, 8 एंड 6, तो इनका टोटल हो जाता है 24. तो टोटल यूटिलिटी, जैसे सेकेंड यूनिट पर हमको टोटल यूटिलिटी मिली थी 8, उस पर हमने थर्ड यूनिट और डाल दिया 6, तो हमारी टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट तक हो जाएगी 24.
अब थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी है 24, हमें फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया 4 और हमको मैरिजल यूटिलिटी मिली 4, तो हमारी फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 28, दैट इज 24 + 4। तो हर एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करते जा रहे हो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी में ऐड करते जा रहे हैं उसके पहले वाले यूनिट से। अगर हम फिफ्थ यूनिट पे आते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 28 है और फिफ्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी है 2, तो 28 + 2 = 30। सिक्स यूनिट पर आपको कुछ भी यूटिलिटी डिराइव नहीं हुई थी तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी सेम ही रहेगी, दैट इज 30। सेवन्थ यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई थी, दैट इज -2, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, दैट इज 28। तो ये हुआ आपका टेबल। टेबल में आपको यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम आपको अज्यूम करना है, आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको खुद से अज्यूम करना है, हम डिफरेंसेस ले लेते हैं 2-2 का, तो 10 से शुरू करके आप 2-2 नीचे आते जाओगे। टोटल यूटिलिटी जो होती है वो हम लोग फाइंड करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का ऐड करके, इसीलिए बोलते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज़ अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो जो टेबल आपने देखा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए सबसे पहले होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। अब आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपको 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर 1, 2, 3, 4, 7 तक प्लॉट कर देना है। अब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। हमने स्टार्ट किया था टोटल यूटिलिटी का, हमारा सबसे जो लोएस्ट नंबर था वो -2 था, तो अभी आपका वाई एक्सिस जो होता है वो -2 से शुरू होना चाहिए, नेगेटिव में भी जाना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने -4 लिया हुआ है, आप -2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4-4 का डिफरेंस लिया हुआ है, -8, 12, 16, 20, 24, 28 and 32। अब यहाँ पर हम प्लॉटिंग शुरू करते हैं। प्लॉटिंग में आपका जो टेबल है, फर्स्ट यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी आती है 10 एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है, तो एक्स एक्सिस से हम फर्स्ट यूनिट लेंगे और वाई एक्सिस से हम 10 यूनिट पे लेंगे। 10 आपका 8 एंड 12 के बीच में आएगा। अगर आपको और ज़्यादा अच्छे से करना है या आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस ग्राफ में, तो आप 2-2 यूनिट के डिफरेंस पे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी टोटल यूटिलिटी जो है मोस्टली 2-2 यूनिट के डिफरेंस पे ही है। तो आपको यहाँ पर 10 एंड 12 के बीच में 10 लेने की बजाय सीधे 10 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने 10 पे एक पॉइंट प्लॉट किया, ये है स्टार्टिंग पॉइंट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। नाउ द सेकेंड यूनिट पर हम लोग टोटल यूटिलिटी में मूव करते हैं आगे, दैट इज 10 से 18 हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तो अभी हमको यहाँ पर 2 पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा, फर्स्ट 18 एंड सेकेंड 8। थर्ड यूनिट पर हमको प्लॉट करना पड़ेगा 24 एंड 6। आपको एक्स एक्सिस से एक ही यूनिट लेना है थर्ड यूनिट, और उसमें 2 जगह पॉइंट प्लॉट करना है, एक जगह पर 24 पे डॉट करना है और एक जगह पर 6 पे डॉट करना है वाई एक्सिस को कंसिडर करके। फोर्थ पे जाएंगे तो 28 एंड 4, आपको स्केल लेनी है फोर्थ यूनिट पर, और आपको वाई एक्सिस से वो पॉइंट्स देखने हैं कि 30 कहाँ पर आता है, सॉरी फोर्थ यूनिट के लिए 28 कहाँ पर आता है, फोर्थ कहाँ पर आता है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट पर 30 एंड 2 पे पॉइंट करना है, सिक्स्थ यूनिट पर आपको 30 एंड 0 पे पॉइंट करना है, एंड सेवन्थ यूनिट में हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव में जाता है -2 पे, और वाई एक्सिस पॉजिटिव में भी है 28 पे। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, आपको 10 से शुरू करते हुए ऊपर के पॉइंट्स को एक लाइन्स में ड्रॉ करना है, उसको बोलेंगे हम टोटल यूटिलिटी, और वापस 10 से ही शुरू करके नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी है नीचे के पॉइंट्स को कंसिडर करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखते हो तो जो टोटल यूटिलिटी है वो सिक्स यूनिट पर 30 और 30 दो बार वो पॉइंट प्लॉट हो जाते हैं, फिफ्थ पे और सिक्स पे दोनों पे सेम है, और उसके बाद जब हम सेवन यूनिट पे आते हैं तो हमारे जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू होती है, तो 28 पे आ जाती है। स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होते जा रही है 10, 18, 24, 28, लेकिन 30 पे आने के बाद वो 2 यूनिट तक 30 ही रहती है, और सेवन यूनिट से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और उसी टाइम पे अगर आप देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज़ होती है 10, 8, 6, 4, 2, और एक लेवल ऐसा आता है जब वो एक्स एक्सिस को टच कर लेती है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है 0, और उसके बाद आ जाता है -2, तो एक्स एक्सिस के नीचे चली जाती है वो। तो जिस टाइम पे हमारा 0 है और जिस टाइम पे हमारा टोटल यूटिलिटी 30 है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल, दैट इज पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। तो अगर आप 6 यूनिट के बाद भी कंज्यूम करते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपकी यूटिलिटी है वो यूटिलिटी ना होकर डिसयूटिलिटी हो जाएगी। तो ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी, मतलब इस लेवल के बाद आप
और कंज्यूम नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हो जाता है। अब ये ग्राफ और टेबल के बाद आपको रिलेशनशिप काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, बट इनको सिक्स्थ पॉइंट में अलग अलग वे से बताया गया है। तो अभी हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप किस तरह से हम जॉट आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में जानने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी आपको ग्राफ के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी। तो ग्राफ के नीचे एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, जो टोटल यूटिलिटी कर्व है हमने उसे बोला है टोटल यूटिलिटी कर्व, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है TU, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है MU। एक्स एक्सिस जो है वो यूनिट को मेजर करता है, तो हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया या इंडिकेट किया है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। कभी भी जब भी आप ग्राफ बनाते हो, और इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया था और वाई एक्सिस पे क्या लिया था। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया था नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे लिया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब यहाँ पर कर्व जो है टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स शोज जीरो और नेगेटिव लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करती है, जबकि टोटल यूटिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और एक लेवल पर कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज 30-30, और उसके बाद वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाए होना शुरू होता है। तो अभी हमने क्या देखा ग्राफ में कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक लेवल के बाद वो एक्स एक्सिस को टच करता है और उसके बाद नेगेटिव में चला जाता है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, एक लेवल पर वो कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो अब इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। इन दोनों के बीच में पहला रिलेशन है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो फर्स्ट यूनिट का है, जो हमने देखा था कि 10 है, वो दोनों का सेम है। तो हम इनको लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स कंज्यूम आर सेम, दैट इज 10, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे कंज्यूमर ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है डिक्रीज और टोटल यूटिलिटी हो जाती है इंक्रीज। तो इसको लिखते हैं एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर यूनिट ऑफ एक्स, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब अगर आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, आपको 10 यूटिलिटी डिराइव हुई, तो सेकेंड यूनिट पे भी 10 यानी कि 20 होनी चाहिए, लेकिन हम सेकेंड यूनिट पे आते हैं तो वो 18 हो जाती है, मतलब आपका जो रेट है वो डिमिनिशिंग धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो तो वैसे ही कम ही होते जा रही है। जो थर्ड रिलेशन है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेज इट्स मैक्सिमम, तो हमारे सिक्स्थ यूनिट पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई थी 30 एंड रिमेन कांस्टेंट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट पर वो कांस्टेंट थी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी उसी टाइम पर सिक्स्थ यूनिट पर हो गई थी 0। तो जब टोटल यूटिलिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पर 0 पर होती है। फोर्थ इज आफ्टर दिस पॉइंट, अभी जो पॉइंट ऑफ स्टैटिटी था जो हमने पढ़ा, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट, अगर हम एक भी यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डिक्लाइन हो जाता है टोटल यूटिलिटी का, और वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो आप पॉइंट ऑफ स्टैटिटी के बाद और यूनिट कंज्यूम नहीं कर सकते। फिफ्थ है, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी अ रैशनल कंज्यूमर स्टॉप कर देता है कंजम्पशन, मतलब एक नॉर्मल इंसान, रैशनल कंज्यूमर मतलब एक नॉर्मल इंसान, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल डिराइव हो जाता है, एंड देर इज अ नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी। तो उसके बाद अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। द सिक्स इज कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इंटू डिससेटिस्फैक्शन। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप एक लेवल के बाद भी कंज्यूम करते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन या डिसयूटिलिटी। तो अगर आप पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी के बाद कंज्यूम करना शुरू करते हो, सिक्स्थ पॉइंट के या सिक्स्थ यूनिट के बाद कंज्यूम करना शुरू करते हो, तो वहाँ पर आपका सेटिस्फैक्शन की जगह पर आ जाएगा डिससेटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड्स, अ कंज्यूमर स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ द कंजम्पशन। आपको इल इफेक्ट्स मतलब आपको नेगेटिव इफेक्ट्स दिखना शुरू होंगे ओवर कंज्यूमिंग का। तो आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी तक ही कंज्यूम करना है किसी भी यूनिट की यूटिलिटी को मैक्सिमम लेवल तक लेकर आने के लिए। आई होप आपको मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी क्लियर हुआ होगा। इनकेस अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DMU लॉ। लास्ट ईयर के एग्जाम्स तक ये 8 मार्क के लिए लॉ पूछा जाता था। टोटल इकोनॉमिक्स में आपके पास 3 लॉ है, DMU लॉ, डिमांड लॉ एंड सप्लाई लॉ,
और जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और कंपलसरी क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते थे। अब जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, अगर आप टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को क्लियर कर देते हो तो ये लॉ आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। इस लॉ के साथ हम आगे टॉपिक कवर करेंगे अजम्पशंस के। इस लॉ के अजम्पशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं और क्रिटिसिजम्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के बारे में पढ़ेंगे विद इट्स अजम्पशंस।